फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश के सेकंड इवैल्यूएशन टेस्ट पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको इस वीडियो में 20 क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। अगर आप एग्जाम में 20 में से 20 नंबर लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं आपको जो भी आंसर बताऊंगा वो रीजन सहित बताऊंगा कि इसका आंसर ये क्यों आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि ही टोल्ड मी दैट ही फिल इन द ब्लैंक्स राइट ए स्टोरी सिंस मॉर्निंग। तो इसके अंदर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है, सिंस मॉर्निंग और टोल्ड। टोल्ड क्या है? पास्ट टेंस है। और सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग मतलब वह सुबह से काम कर रहा है। जहाँ पर भी सिंस होता है वहाँ पर कौन सा टेंस होता है? परफेक्ट कंटिन्यूस। तो यहाँ पर कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर 3, हैड बीन राइटिंग। तो पहले का राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर 3। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है कि सी फिल इन द ब्लैंक्स प्ले टेनिस सिंस 2015। तो इसके अंदर भी आपको सिंस दिखाई दे दिया है, तो सिंस दिखाई दे दिया है तो आपको क्या लगाना है? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इन चारों ऑप्शन के अंदर कौन सा कंटिन्यूस है परफेक्ट कंटिन्यूस का? तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर 4, हैड बीन प्लेइंग। फिर आपके तीसरा क्वेश्चन है कि द शिप रोज टू द टॉप फुल स्टॉप वी शुड सी द एंडलेस सी जॉइन बाई अस। इसको आपको अस से जोड़ना है, तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर 2, एज द शिप रोज टू द टॉप वी कुड सी द एंडलेस सी। ये होगा आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर। फिर आपके चौथा क्वेश्चन है कि ही सेड दैट इट फिल इन द ब्लैंक्स रेन टूडे। तो आज बारिश होने की संभावना है, तो इसका कौन सा आएगा? माइट। ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका राइट आंसर होगा। फिर आपका पांचवा क्वेश्चन है कि दिस इज द सिटी फिल इन द ब्लैंक्स आई वॉज बोर्न। यह वह सिटी है जहाँ मैं पैदा हुआ। तो जहाँ आ रहा है तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर 3, वेयर। वेयर का अर्थ यदि वाक्य के प्रारंभ में होता है तो कहाँ होता है, और वाक्य के बीच में होता है तो जहाँ। तो यह हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर आपके छठा क्वेश्चन है कि इफ़ यू रिक्वेस्ट द बॉस फिल इन द ब्लैंक्स हेल्प यू। यदि तुम रिक्वेस्ट करते हो तो बॉस तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? आपके कैन। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर 2, कैन। फिर आपका सातवां क्वेश्चन है कि द गर्ल फिल इन द ब्लैंक्स वून द रेस वॉज अवॉर्डेड। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर 4, हु। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर 4, हु। फिर आपके आठवां क्वेश्चन है कि अरुण गेव मी दिस स्टोरी बुक फिल इन द ब्लैंक्स इज इंटरेस्टिंग। तो इसका राइट आंसर होगा आपके दूसरा, विच। तो इसके अंदर आपको क्या लगाना है? विच। फिर आपके नवा क्वेश्चन है कि इफ़ यू फिल इन द ब्लैंक्स, फिर है आस्क हियर सी विल मैरी यू। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर 3, विल। इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर 3, विल। दसवां क्वेश्चन है कि हियर इज फिल इन द ब्लैंक्स यूरोपियन लेडी। तो इसके अंदर क्या करना है? आपको आर्टिकल यूज करना है यूरोपियन। तो इसका उच्चारण किससे आ रहा है? यस से। तो इसके अंदर आपको कौन सा बनना है? ए ऑप्शन आपके करेक्ट होगा। दसवें का होगा आपके ए, मतलब इसके अंदर कौन सा आर्टिकल आएगा? ए आर्टिकल इसके अंदर आएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर आपका ग्यारहवां क्वेश्चन है कि माय सिस्टर इज प्रिपेयरिंग फिल इन द ब्लैंक्स लंच। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसके अंदर कोई भी आर्टिकल नहीं आने वाला है। फिर आपका बारहवां क्वेश्चन है कि दिस ड्रेस सूट्स हर स्टाइल फुल स्टॉप सी फिल इन द ब्लैंक्स डेफिनेटली लाइक्स इट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3, विल। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके ऑप्शन नंबर 3, विल है जो इसका राइट आंसर होगा। फिर आपके तेरहवां क्वेश्चन है कि सी फिल इन द ब्लैंक्स विजिट्स हर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस ड्यूरिंग हॉलीडेज। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर 2, ओट 2। इसके अंदर आपको कौन सा मॉडल लगाना है? ओट 2। यह होगा इसका आपका राइट आंसर। फिर आपके चौदहवां क्वेश्चन है कि हाउ फिल इन द ब्लैंक्स सी डिड दैट टू अस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बे, हाउ वुड सी डिड दैट टू अस। इसका राइट आंसर क्या होगा? वुड। फिर आपके पंद्रहवां क्वेश्चन है कि आई नो द ईयर फिल इन द ब्लैंक्स दुआ वॉज बोर्न। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर 4, वेन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, वेन। फिर सोलहवां क्वेश्चन है कि आई नो ए पैलेस फिल इन द ब्लैंक्स वेयर यू कैन कैच रियली बिग फिश। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर 1, वेयर इसका राइट आंसर होगा। फिर आपके सत्रहवां क्वेश्चन है कि दे हैव ऑलवेज हेल्प्ड, वे हमेशा तैयार रहते हैं किसकी हेल्प यानी सहायता करने के लिए।
तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर 4, इच अदर। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर आपके 18वां क्वेश्चन पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स इज नोन अबाउट हर अचीवमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर 4, नन। नन इज नोन अबाउट हर अचीवमेंट। 19वां क्वेश्चन है कि ही इज फिल इन द ब्लैंक्स अर्ली बर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके ऑप्शन नंबर 3, एन अर्ली। तो इसका कैसा आ रहा है, ए। तो अगर ऐसा आ रहा है तो हमारे अंदर क्या लगाएंगे, एन आर्टिकल। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर 3, एन। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर आपका 20वां क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स एग्जाम कॉपीज आर स्टिल अनचेक्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, ए फ्यू एग्जाम कॉपीज आर स्टिल अनचेक्ड। तो इस तरीके से आपको 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको समझा दिए। अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपके एग्जाम में 20 में से 20 नंबर आएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।